हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज मैं लेके आई हूँ 2016 यूपी टीजीटी की 125 क्वेश्चन की श्रृंखला, जो 2016 में पेपर हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 125 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप धैर्य बना करके सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में 125 क्वेश्चन पूरा रहेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रुप हो, चाहे किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हर एक चीज़ डिटेल में बताया गया है, एंड उसका चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराया गया है, और 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं, और डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो पूरे मन से जुड़ जाइए मेरे चैनल पे। चलिए चलते हैं समय नष्ट न करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ। 125 क्वेश्चन हल करते हैं 2016 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऊंची छलांग यानी हाई जंप, 100 मीटर स्प्रिंट, भाला फेंक एंड डिस्कस थ्रो। तो सबसे पहले देखेंगे कि हेप्टाथलॉन में शामिल कौन है। तो हेप्टाथलॉन जो होता है, इसमें 7 इवेंट होते हैं। इसमें यह महिलाओं के लिए होता है और 2 दिन में संपन्न होता है। प्रथम दिन 4 इवेंट और द्वितीय दिन 3 इवेंट, और इसमें 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट होते हैं, जिसमें से इसका ट्रैक मैंने आपके कंबाइंड इवेंट वाले वीडियो को देखिएगा, एथलेटिक वाले प्लेलिस्ट में जा करके डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन के बारे में डिटेल में वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए होता है। इसमें इसका ट्रैक मैंने बताया था कि 100 मीटर का ऊँचा गोला 200 में खरीदा और बेचने पर लाभ 800 का हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रथम दिन में, हेप्टाथलॉन के प्रथम दिन में आपका था 100 मीटर हर्डल रेस। क्या था? 100 मीटर हर्डल रेस। एंड दूसरा इवेंट था 100 मीटर का ऊंचा गोला, ऊंचा से हो जाएगा ऊंची कूद, ठीक है। और तीसरा था आपका गोला से गोला फेंक, ठीक। चौथा हो जाएगा आपका 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा, तो 200 आपका दौड़ हो जाएगा, ठीक है, ये पहला दिन का। और दूसरा दिन का क्या था? दूसरा दिन का आपका बेचने पर लाभ 800 का हुआ। दूसरा दिन का लाभ से ल से लंबी कूद, भौ से भाला फेंक और 800 मीटर दौड़। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऊंची छलांग यानी ऊंची कूद भी है हेप्टाथलॉन के अंतर्गत, भाला फेंक भी है, डिस्कस थ्रो नहीं है, 100 मीटर स्प्रिंट यानी कि बाधा दौड़ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपका होगा 100 मीटर स्प्रिंट, ऊंची छलांग, भाला फेंक है हेप्टाथलॉन के अंतर्गत, जबकि डिस्कस थ्रो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। और दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से दिया जा रहा है, और इसमें धनराशि 15 लाख रुपए दिया जाता है। और खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला अभी वर्तमान में सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जैसा कि दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत का हो गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें अब उसको 25 लाख रुपये धनराशि दिया जाता है विजेता को, जिसको पुरस्कार विजेता होता है, ठीक है। तो वर्तमान में आप ध्यान रखिए कि धनराशि जो दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, द्रोणाचार्य 15 लाख एंड ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख एंड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए।
तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो उस समय कुल 26 स्वर्ण पदक भारत ने जीता था राष्ट्रमंडल खेल जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था दोस्तों, इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें उसने जीता था 2018 में 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रांज मेडल जीता था, यानी कुल 66 पदक 2018 में जीता था, ठीक है। और 2000 राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और 2023 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो यह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है, 61 पदक, और चौथा स्थान पे है। 2022 में भारत ने जीता है 61 पदक, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रांज मेडल। नेक्स्ट है, इंसुलिन द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो यह आग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है, जिसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। और यह क्या करता है, इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रण और नियमन करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित कर पाता है, और जो ग्लूकोज होता है, शर्करा होता है, रक्त में जाने लगता है, और रक्त में शर्करा के बढ़ने के कारण उसी को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या मधुमेह या डायबिटीज बोला जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सूची का मिलान करना है आपको, तो यहाँ भी देखना है भाला फेंक किसमें होगा, तो भाला फेंक होगा आपका अनुक्रमिक भाग विधि, किसमें होगा अनुक्रमिक भाग विधि। देखेंगे हम मार्चिंग जो आ रहा है पहले उसको मिलाइए, मार्चिंग प्रदर्शन विधि में आता है, हमेशा प्रदर्शन करके बताया जाता है। एंड आपका हो जाएगा इन स्टेप किक, आप इन स्टेप किक किसी को सिखा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, यानी कि पूरे भाग पूरी विधि में आ जाएगा। एंड कक्षा शिक्षण, जो भी आप कक्षा का शिक्षण देते हैं वो मौखिक विधि से देते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में किया था, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो यह हॉकी है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना शाह किस खेल से संबंधित हैं, तो मीना शाह बैडमिंटन से संबंधित हैं। मीना शाह भारत की राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप थी लखनऊ में 10 मार्च 2015 में इनकी मृत्यु हुई, इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है, ऑप्शन है सहनशीलता, लचीलापन, शक्ति, ए तो बाद में अर्जित किया जाता है, अनुवांशिक रूप से गति जो होता है अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है, और जिसको ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है अनुवांशिक अनुमोदन दोस्तों पूर्वजों द्वारा नई पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं, यह भौतिक
लक्षणों और अनुवांशिकता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीवा संधि उदाहरण है, तो ग्रीवा संधि किसका उदाहरण है दोस्तों, जो हमारे गर्दन का ज्वाइंट है वो पीवट ज्वाइंट का उदाहरण है, जो एक धुरी पर घूमता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कई बार बताया है कि हमारे शरीर में जो संधियां होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, अचल, चल और अर्धचल। अचल संधि में हमारे खोपड़ी की संधि आती है जिसको हम सुचर ज्वाइंट भी कहते हैं, हमारे दांतों की संधि आती है जिसे पेग एंड सैकेट ज्वाइंट कहते हैं, और एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट आता है। एंड जो अचल संधि में आ गया, ठीक है, और अर्धचल जिसमें थोड़ा थोड़ा संधि गति होता है, इसमें आपका रीढ़ की हड्डी आता है और हमारी पसलियां आती हैं। एंड जो हमारा चल संधि होता है वो छह प्रकार का होता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, ज्वाइंट वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, इतना डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद के जनक हैं, तो दोस्तों प्रकृतिवाद के जनक जो हैं वो रूसो हैं, रूसो को प्रकृतिवाद का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है तो क्या है, निरंकुश, तानाशाही, अबंध नीति, जनतंत्रवादी, तो सबसे अच्छा तरीका है वो जनतंत्रवादी। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है, तो यह पूर्ण स्कूली वातावरण पर्यावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में से किस पर ड्रग प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, तो दोस्तों शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, पहले लगाया गया था कुछ विशेष खेलों में बट इसको अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, तो दोस्तों द्वितीय नियम है त्वरण का नियम, प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है एग्जांपल के थ्रू, पूरा डिटेल में आप जान सकते हैं। न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में जानना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के ये सभी उत्तोलक के बारे में, न्यूटन के लाभ के बारे में, संतुलन के बारे में, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है कि मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस संकुचन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जब मांसपेशी संकुचन हो रहा है उस दौरान कोई भी आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, न घट रहा है, न बढ़ रहा है, न तो कार्य होता दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन होता है। कौन सा कंट्रक्शन, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन होता है, जब मांसपेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है तो वहाँ पे गति होता है, वहाँ पे होता है आइसोटोनिक कंट्रक्शन। एंड आइसोकाइनेटिक जो होता है उसमें सेम गति होती है, मशीनों को द्वारा किया जाता है, ज़्यादातर पानी जैसे तैराकी हो गया, रोइंग हो गया, इन सब में किया जाता है आइसोकाइनेटिक में, तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला शारीरिक शिक्षा विशारद कौन था जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो वो थे प्रोफेसर कर्ण सिंह, इनको 1995 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है बोनस अंक केवल तब दिया जाता है जब कबड्डी मैदान में कितने रक्षक होते हैं, तो 6, अब सबको पता है 6 या 6 से ज़्यादा जब खिलाड़ी रहेंगे तभी उसको बोनस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लीग टूर्नामेंट का जो
सूत्र होता है मैचों की संख्या ज्ञात करने का, वो क्या है? तो मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है यन यन माइनस वन अपान टू। तो यन क्या है? यन यहाँ पे टीमों की संख्या है, तो टीमों की संख्या कितना है? दस। दस दस माइनस वन अपान टू कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका दस गुणे नौ अपान टू, तो कितना हो जाएगा? नब्बे अपान टू। ठीक है, यानी पैंतालीस दूना नब्बे, कितना आया आंसर? आंसर आया आपका पैंतालीस। यानी कि लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या कितना है? दस है। ठीक है दोस्तों, टूर्नामेंट के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए टूर्नामेंट वाले वीडियो को देख लीजिए, चाहे नॉकआउट हो, लीग टूर्नामेंट हो, कॉम्बिनेशन हो, चाहे चैलेंज टूर्नामेंट हो, सभी के बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी जब 11 टीमें हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बाई ज्ञात करने का सूत्र है नेक्स्ट की पावर ऑफ टू माइनस नेक्स्ट पावर ऑफ टू। ठीक है, माइनस एन क्या है सूत्र? नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीमों की संख्या कितनी है। जब टीमों की संख्या 11 है तो हम देखेंगे दो, क्या देखेंगे? दो गुणे दो, दो दूना चार, दूना आठ, दूना सोलह, यानी कि टू के पावर फोर आ रहा है, बराबर सोलह माइनस ग्यारह तो कितना आएगा? बराबर पाँच आएगा। यानी कि बाई कितना दिया जाएगा? कुल बाई पाँच दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाई बाई देने का सूत्र होता है ऊपर के हाफ में एन बी माइनस वन अपान टू, तो क्या हो जाएगा? चार अपान टू, यानी कि ऊपर के हाफ में दो बाई दिए जाएंगे और नीचे के ज्ञात करने का सूत्र होता है एन बी प्लस वन अपान टू, यानी कि छः अपान टू हो जाएगा, तो यानी तीन, यानी कि नीचे के हाफ में तीन बाई दिया जाएगा। कितना बाई दिया जाएगा? तीन बाई। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? इसमें बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारा जाता है। सभी खेल परीक्षणों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन के प्लेलिस्ट में जा करके, चाहे हॉकी टेस्ट हो, बैडमिंटन टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, जेसीआर टेस्ट हो, अपर टेस्ट हो, हावर्ड स्टेप टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, आप जानने के लिए वहाँ पे जाकर के सभी वीडियोज को देख सकते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पे होता है 1.067 मीटर, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में ऊंचाई होती है और सभी बाधाओं की संख्या होती है 10। नेक्स्ट है फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? तो वह 12 गज की दूरी पर चिन्हित किया जाता है, यानी कि 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 3000 मीटर वाटर, इसमें आपका 28 बाधा होता है प्लस 7 वाटर जंप, कुल मिलाकर के 35 बाधाएं होती हैं। तो इसमें कितने वाटर जंप होते हैं? 7 वाटर जंप होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें दोस्तों होती हैं 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट, यानी कुल 10 स्पर्धाएं होती हैं और यह पुरुषों के लिए होता है प्रथम दिन 5 और दूसरे दिन 5 इवेंट होता है। इसमें 4 ट्रैक 6 फील्ड इवेंट होते हैं। प्रथम दिन आपका 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, 60 फुट ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़ और दूसरे दिन 100 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर दौड़ होता है। इसके बारे में मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है, जो आप एक बार देखेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है वेटलिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में दो प्रयासों के बीच वजन में कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो वेटलिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में दो प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों राउंड रॉबिन पर संबंधित है। तो लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन प्रतियोगिता भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है IAAF का अर्थ है, तो इसका अर्थ है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और पहले सम्मेलन में 17 राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ध्यानचंद ने भारत में ओलंपिक खेलों में 16 पदक दिलाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी को पहचान दिलाई है, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जब छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं तो वही सबसे ज़्यादा निर्धारण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छात्रों पर प्रभाव, यानी शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है कि छात्रों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई, तो यह किया गया 1970-71 में, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना 18 से 12 वर्ष की आयु में प्रतिभा पहचान के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है, तो गतिशीलता लोचशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। गतिशीलता बलों के अध्ययन और गति पर उनके प्रभावों से संबंधित शास्त्रीय यांत्रिकी की शाखा है। नेक्स्ट है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने 21 स्पर्धा में 16 पदक जीता था, तो इन्होंने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में जीता था 16 पदक। नेक्स्ट है पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किस वर्ष में हुआ था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पहले ओलंपिक खेल संपन्न हुआ था 1776 ईसा पूर्व में ओलंपिया नगर में, और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में शुरुआत हुआ पैनाथेनिक स्टेडियम में। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं, तो दोस्तों विशेष ओलंपिक में शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से मंद बच्चे दोनों शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा। और दोस्तों यह दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। यह संगठन जो है 172 देशों में 5 मिलियन एथलीटों को और यूनिफाइड स्पोर्ट्स भागीदारों को वर्ष भर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1968 यूनिस कैनेडी स्लाइवर द्वारा किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा कि विशेष ओलंपिक की स्थापना सबसे पहले कब किया गया, 20 जुलाई 1968 में यूनिस कैनेडी स्लाइवर द्वारा किया गया, 20 जुलाई 1968 में। नेक्स्ट है उस शहर की पहचान करें जहां 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो दोस्तों 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो योगदान जो है वो हो चुका है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। कहां पे हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक में। यहां बर्मिंघम इंग्लैंड नहीं दिया है, पहले ये रखा गया था डरबन में, लेकिन बाद में इसको बर्मिंघम इंग्लैंड में रखा गया और ये संपन्न भी हो गया है 2022 में। और 2023 में राष्ट्रमंडल खेल होगा, कहाँ पे होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 ईस्वी में 4 से 11 मार्च को हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, भारत में ही। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता शामिल करती है। तो क्या शामिल करती है? यह नैतिक मूल्य को शामिल करती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब की गई? तो भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर NFC की स्थापना 1965 में किया गया। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का जब भी उद्देश्य है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना इसका उद्देश्य है, चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक रूप से हर एक तरीके से उसका संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद, चेस प्लेयर ये है। और जैसे कि दोस्तों, अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो भारत देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसका नाम 2021 में राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया मोदी सरकार द्वारा। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था, ठीक है, और इसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे तो 5 टाइम कीपर्स की जांच करनी चाहिए, बट आयोग द्वारा आंसर दिया गया है इसका मुख्य टाइम कीपर सहित 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आयोग द्वारा 37 साल दिया गया है, वास्तविकता में और 40 साल तक होता है। नेक्स्ट है, शब्द 9 दंड अपराध किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों, तो एक्लेमेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एरोबिक फिटनेस को किसके माध्यम से सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता है? तो यह होगा सर्किट ट्रेनिंग से, बट यहाँ पे तैराकी, लंबी दूरी की दौड़, सर्किट ट्रेनिंग, तीनों से एरोबिक फिटनेस को सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छे की बात क्या है? तो यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय किंवदंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट है, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली है? तो कबड्डी की 3 शैलियां हैं, संजीवनी, अमर, गामिनी, जिसको संजीवनी जो है उसको आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हुआ है। जो आप कबड्डी खेलते हैं, संजीवनी का नियम होता है, इसमें खिलाड़ियों को पुनर्जीवन का नियम होता है कि जो ही दूसरा पार्टी का एक जीवित होगा मरेगा, दूसरा पारी का एक जीवित हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी नियम होते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है प्रथम कशेरुका को कहते हैं दोस्तों, प्रथम कशेरुका कौन होती है हमारे रीढ़ की, तो प्रथम कशेरुका होती है एटलस, कौन होती है एटलस, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अक्षक एक्सिस, और जो ग्रीवा कशेरुका की प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं क्योंकि यह सिर को सहारा देती है, इसमें काय तथा स्पाइन नहीं होते और यह टेढ़े मेढ़े आकार की अंगूठे के समान वाली हड्डी होती है। नेक्स्ट है लीन बॉडी मास है, तो दोस्तों यह क्या है, लीन बॉडी मास जो है मांसपेशियों, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक है। जैसे कि शरीर संरचना को दो भागों में कहा जाता है, लीन बॉडी मास और फैट बॉडी मास। लीन बॉडी मास में मांसपेशी, हड्डी, शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक आते हैं, और जबकि फैट बॉडी मास में वसा युक्त आते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक संगठन, ऊतकों और कोशिकाओं में परिवर्तन। दोस्तों इसी का आंसर है यह कि लीन बॉडी मास क्या है, तो शारीरिक संगठन, ऊतकों और कोशिकाओं में परिवर्तन, मांसपेशियों के ऊतकों से बना शरीर शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात चरम वृद्धावस्था तक धीरे धीरे लगातार घटता है, यह घटकर वयस्क की तुलना में 2/3 मात्र रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो यह 1983 में पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरोस्थि क्या है, उरोस्थि यानी स्टर्नम, तो दोस्तों जो हमारी उरोस्थि होती है यह वक्ष कशेरुक है, वक्ष की हड्डी है जिसमें हमारे 12 जोड़ी 12 पसलियां दोनों तरफ जुड़ी होती हैं, ठीक है, बीच में ऐसे हड्डी होती है, ठीक है, और इसमें 12 पसलियां दोनों तरफ क्या होती हैं, जुड़ी रहती है। इधर हमारा क्लेविकल यानी कि जाता है हसली, फिर यहाँ पे हमारा कंधा होता है, यहाँ पे गर्दन होता है, इस प्रकार ये आपका क्या है उरोस्थि यानी कि। नेक्स्ट है निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा कि किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापन के लिए नहीं किया जाता है, तो सहन शक्ति तभी होगा जिसमें रिपीटेशन होगा और उसमें लंबे समय की क्रियाएं होंगी। जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी अनएरोबिक क्रियाएं होंगी ऑक्सीजन के बिना वो 2 मिनट से कम की क्रियाएं होंगी, 2 मिनट से ज्यादा की जो भी क्रियाएं होंगी वो एरोबिक यानी सहनशीलता में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि मांसपेशियों की सहन शक्ति की मापने के लिए कौन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे दिया है सीटअप, बार बार किया जाएगा तो सहन शक्ति में आएगा, फ्लैक्स आर्म हैंग ये भी सहन शक्ति में आएगा, दूर तक चलना ये भी सहन शक्ति में आएगा, जबकि 12 मिनट यहाँ पे नहीं दिया है, 12 मीटर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 12 मीटर दौड़, 12 मीटर आप दौड़ेंगे तो उसमें कौन सा आपका सहनशीलता हासिल होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लेन इसे ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है, तो दोस्तों जो प्लेन होता है वो 3 होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। जो सेजिटल होता है वो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और जो फ्रंटल होता है वो शरीर को आगे पीछे बांटता है, और जो ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल होता है वो शरीर को ऊपर नीचे बांटता है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऊपर नीचे, ठीक है, प्लेन और एक्सिस क्या होता है, उस वीडियो को इसके बारे में जानने के लिए उस वीडियो को देखिए, प्लेन और एक्सिस वाले को, सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खेल का आंतरिक पुरस्कार है, ऑप्शन है दोस्तों मान्यता, प्रतिष्ठा, ध्यान देना, आत्मसम्मान, तो आंतरिक पुरस्कार किस में आएगा, आत्मसम्मान ही आपका आंतरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट है एशियन खेल आंदोलन की कल्पना किसने की थी, दोस्तों तो एशियन खेल के आंदोलन की कल्पना किए थे प्रोफेसर जीडी सोंधी, जिस प्रकार ओलंपिक के जन्मदाता पितामह कहे जाते हैं पियरे डी बरेन डी कुबर्टिन, उसी प्रकार एशियन खेल के जन्मदाता या उसको
शुरू करने वाले हैं प्रोफेसर जेडी सोंधी। नेक्स्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है जो हमारे नितंब यानी हिप में है, और सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है वो सार्टोरियस है, सबसे छोटी मांसपेशी हमारे कान में स्टेपिडियस है, सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे जबड़े में मसेटर मसल्स है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पे आसन नंबर सी हो जाएगा। उस समय के अकॉर्डिंग दोस्तों कि 8 स्वर 1 रजत 2 कांस्य यानी कि कुल 11 पदक इसने जीता था, 8 स्वर 1 रजत 2 कांस्य ओलंपिक में हॉकी ने, बट 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक कांस्य पदक और जीता है। इस प्रकार आपका इस बार अब आएगा तो आंसर होगा 8 स्वर 1 रजत 3 कांस्य, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कुल 12 पदक। नेक्स्ट व्यक्ति को बालक और किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है, तो बालक और किशोर वर्ग में बांटने का कानूनी कसौटी जो है कालक्रम आयु है। कालक्रम आयु को कैलेंडर आयु भी कहा जाता है, स्कूल आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दिन महीना वर्षों में काउंट किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ जैसे कि उसका बर्थडे जो है वह 6/11/2012 है, इस प्रकार का जो है वो कालक्रम आयु में आता है। जैसे कि आयु को जानने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, कालक्रम आयु, शरीर रचना आयु, क्रियात्मक आयु, मानसिक आयु। तो रचना आयु में हड्डियों दांतों की के आधार पर किया जाता है। क्रियात्मक आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज में हार्मोनल बैलेंस के चेंजेस जो होते हैं हार्मोन में उसके आधार पर किया जाता है। और मानसिक आयु को ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु अपन क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु गुणे 100, IQ क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये आपका है। नेक्स्ट है वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभावित करता है, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा पाठचर्या की गैर समानता। पाठचर्या की गैर समानता है तो शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों खिंचाव यानी चोट है, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। अगर वहां पे स्ट्रेन दिया रहेगा तो लिगामेंट की चोट रहेगा, और स्प्रेन यानी कि मोच दिया रहेगा तो चोट रहेगा, और स्ट्रेन यानी खिंचाव दिया रहेगा तो वहां पे रहेगा आपका मांसपेशी या टेंडन की चोट। तो दोस्तों यहाँ पे खिंचाव यानी कि इंग्लिश वर्जन में मुझे लगता है कि दिया गया है आपका स्प्रेन यानी मोच, तो उसके आधार पर आपका स्नायु या अस्थि बंधकों की चोट कहलाएगा, ठीक है। स्नायु या अस्थि बंधकों यानी कि लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट जो होता है या दो हड्डियों को जोड़ता है बीच में, ठीक है, दो हड्डियों को संधि पर जोड़ता है। जबकि टेंडन क्या करता है, टेंडन जो होता है मांसपेशियों को जोड़ता है, क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये टेंडन है, ठीक है। तो जब टेंडन मांसपेशी में चोट आती है तो उसे खिंचाव या स्ट्रेन कहते हैं, और जब लिगामेंट में चोट आती है तो उसे मोच या स्प्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब कोण कितना से ऊपर होता है, दोस्तों तो 180 अंश से ऊपर होता है तो हाइपर एक्सटेंशन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता, तो कौन से खेल में कोई समय अवकाश यानी कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है दोस्तों, तो वो होता है आपका फुटबॉल। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह इंडोनेशिया में किया गया था 2018 एशियाई खेलों का आयोजन। नेक्स्ट है बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है,
तो आप जानते हैं यह कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकलता है। कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकलता है, एक बार में कि एक मिनट में कि एक संकुचन में कि एक सेकंड में, बताइए। कार्डियक आउटपुट हृदय की कुल क्षमता, तो यह एक मिनट में हृदय द्वारा पंप किए रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक बार में एक धड़कन में हृदय की एक धड़कन में जितना रक्त हृदय के द्वारा शरीर की तरफ पंप किया जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कम से कम 70 ml होता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, और हार्ट रेट प्रति मिनट कितना होता है? 72। इस प्रकार प्रति मिनट हम हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5040 ml, ठीक है। 70 ml आपका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और 72 बार आपका धड़कता है एक मिनट में दिल, तो 70 × 72 आप करेंगे तो 5040 ml, यानी कि 5.04 लीटर, यानी कि 5 लीटर के लगभग आपका एक मिनट में जो हृदय होता है रक्त को पंप करता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या क्या होता है? एक मिनट में हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। कार्डियक आउटपुट को ज्ञात करने का सूत्र है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट कितना है? 5.04 लीटर। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से, जिसमें जो हमारे आंखों की रेटिनल लेयर होता है कोन सेल में, तो कोन सेल जो होता है वो प्रकाश की मात्रा को बताता है, अंधेरे में अंधेरे उजाले में फर्क करता है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रेटिनल लेयर खराब हो जाता है और हमें अंधेरे उजाले में फर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, सॉरी, आप जो विटामिन ए होता है रतौंधी होता है उसमें रोड सेल ग्रसित होता है, ठीक है। और जब कलर ब्लाइंडनेस होता है वो भी विटामिन ए के कारण ही होता है, तो रतौंधी में यानी नाइट ब्लाइंडनेस में रोड सेल ग्रसित होता है और कलर ब्लाइंडनेस में कौन सेल ग्रसित होता है। जो रोड सेल होता है आंखों में, वो अंधेरे उजाले में फर्क करता है, अंधेरे में प्रकाश की मात्रा को बताता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और जो कौन सेल होता है वह रंगों को पहचान करने में मदद करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो रतौंधी में रोड सेल ग्रसित होता है और कलर ब्लाइंडनेस में कौन सेल ग्रसित होता है। नेक्स्ट है, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो पहली भारतीय महिला पदक विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी, जो 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रमुख ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? तो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज कब शुरू हुआ? तो दोस्तों कहाँ शुरू हुआ? तो चेन्नई में 1920 ईस्वी में हेनरी क्रोबक ने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना चेन्नई में किया, और HC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह इसे किया जाता है इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित। यह पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व फैट के मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है?
तो इसमें कौन संबंधित नहीं है, करियर काउंसलिंग संबंधित नहीं है, जबकि आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना, स्वच्छता, रोगों से उपचार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है? तो दोस्तों, जैसे कि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य रिलेटेड, एंड दूसरा मोटर स्किल रिलेटेड। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड में आपका बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आदि आते हैं। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिक्रिया क्षमता, यानी कि जो मोटर स्किल में है आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया क्षमता आपका नहीं है, या मोटर क्षमता से रिलेटेड है, चपलता भी मोटर क्षमता से रिलेटेड है, गति भी मोटर क्षमता से रिलेटेड है, जबकि स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस कौन है इसमें? तो शरीर संरचना यानी कि बॉडी कंपोजिशन जो है वो स्वास्थ्य संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? तो वह होता है आदर्शवादी दर्शन। नेक्स्ट है, एक पेशेवर संस्थान का निर्णय किसके द्वारा, निर्णय द्वारा दिया जाता है? तो एक पेशेवर संस्थान का निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? समाज की सद्भावना के द्वारा, कि अनुभव के द्वारा, कि दक्षता के द्वारा, कि स्थान के द्वारा? तो यह हमेशा दक्षता के द्वारा यानी योग्यता के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक एक्टोमोर्फ व्यक्ति के पास होता है, तो एक्टोमोर्फ व्यक्ति जो होता है पतला और इस स्लेंडर फ्रेम का होता है। ठीक है, पतला दुबला व्यक्ति होता है। जैसे कि सेल्डन ने बॉडी टाइप्स को तीन भागों में डिवाइड किया है, एक इंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ। एंडोमोर्फ जो होता है गोलकार शरीर वाला होता है, वसा युक्त होता है, और जो मेसोमोर्फ होता है वह मजबूत, मसल्स युक्त और हर एक चीज में परफेक्ट होता है, और जो एक्टोमोर्फ होता है पतला और सिलेंडर फ्रेम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम से संबंधित तनाव यानी फ्रैक्चर हड्डियों में होता है, तो व्यायाम से संबंधित जो फ्रैक्चर होता है हमेशा तनाव फ्रैक्चर यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वह घुटने के नीचे होता है, अक्सर घुटने के नीचे होता है, ओवर यूज बार बार इंजरी के कारण। अब यही स्ट्रेस फ्रैक्चर मेटाटार्सल हड्डी में होता है तो उसे हम कहते हैं मार्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, बूली किस खेल से संबंधित है? तो बूली जो है वह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्प्रिंट दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो दोस्तों, यहां पे कौन सी महत्वपूर्ण कारक नहीं होगा? तो स्प्रिंट दौड़, जहां पे स्प्रिंट दौड़ यानी कम समय की 100-200 मीटर की जो दौड़ है स्प्रिंट दौड़ में आती है, और इसमें सबसे ज्यादा अनएरोबिक क्षमता विकसित होती है। अनएरोबिक यानी इसमें सहनशीलता नहीं, शक्ति की जरूरत होती है। तो यहाँ पे शक्ति, जब शक्ति पूरा लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपका पैरों की शक्ति हो जाएगा, पैरों की शक्ति इसमें कारक है, पैरों की लंबाई भी है, मांसपेशी फाइबर का प्रकार भी आपका महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन पेशी सहनशीलता महत्वपूर्ण कारक नहीं है। पेशी सहनशीलता महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करिएगा, स्प्रिंट दौड़ पूछा है तो उसमें स्प्रिंट दौड़ 100-200 मीटर की दौड़ है तो उसमें सहनशीलता कभी नहीं आएगी, शक्ति ही आएगी। तो पैरों की शक्ति, पैरों की लंबाई, मांसपेशी फाइबर का प्रकार, ये आपका स्प्रिंट दौड़ों में होगा। जबकि मांसपेशी फाइबर जो है दो प्रकार का होता है, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर जो होता है वह स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है, धीरे धीरे संकुचन होता है और सहनशीलता वाले खेलों में ज्यादा उपयोग होता है। और जो व्हाइट मसल फाइबर होता है स्लो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, वह जल्दी जल्दी संकुचन होता है। यह छोटे समय की क्रियाओं, स्प्रिंट दौड़ या छोटे समय की, कम समय की क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या रीढ़ की हड्डी कोई चोट से संबंधित नहीं है?
तो आपको देखना है कौन नहीं है। तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैं बता रही हूँ जो फ्रैक्चर है वो भी रीढ़ से संबंधित है, फ्रैक्चर हो सकता है रीढ़ में, डिसलोकेशन भी हो सकता है, स्प्लिट डिस्क भी हो सकता है, जबकि एब्रेजन जो है या त्वचा की चोट है या किसी रीढ़ की चोट नहीं है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों में 5 अंतर स्थापित छल्ले दर्शाते हैं। तो यह दोस्तों दुनिया की एकता को दर्शाते हैं, ठीक है। 5 अलग रंग के अलग अलग छल्ले कौन है? नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ये डब्लू के आकार के 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। डब्लू के आकार के कितने छल्ले होते हैं? डब्लू के आकार के 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं डब्लू के आकार की। इसी तरह 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक में, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला यूरोप को प्रदर्शित करता है, ठीक है, काला अफ्रीका को, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल अमेरिका को। ये सभी दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि ये 5 छल्ले जो है ओलंपिक ध्वज पर जो चिन्ह होते हैं उसमें दर्शाए जाते हैं, और यह ओलंपिक ध्वज 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में सबसे पहले फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो जैसे कि दोस्तों पोषण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य के आधार पर, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक शरीर की रक्षा करने वाले, एक शरीर का निर्माण करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले में कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, और शरीर निर्माण करने वाले में प्रोटीन होता है, और रक्षा करने वाले में विटामिन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो जो विटामिन होता है कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को मेटाबॉलिज्म में सहायता प्रदान करता है, शरीर की रक्षात्मक खाद्य इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी के पार्श्व विचलन को के माध्यम से मापा जाता है। तो दोस्तों जो पार्श्व विचलन होता है उसे हम स्कोलियोमीटर कहते हैं। जो शरीर का भाग, रीढ़ का भाग एक तरफ दूसरी तरफ और हिप दूसरी तरफ मुड़ जाता है, CIS की आकृति बना लेता है, उसको स्कोलियोसिस बोला जाता है। यह पोस्टर डिफॉर्मिटीज है, शारीरिक विकृति है, और इसी को मापा जाता है स्कोलियोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्कोलियोमीटर से। नेक्स्ट है मेसोमोर्फी की विशेषता है। दोनों सेल्डन का ही दे दिया है, एक्टोमोर्फ भी, मेसोमोर्फ भी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सेल्डन आपके लिए, तो एक्टोमोर्फ हमने देख दिया है। मेसोमोर्फ में क्या होता है? मेसोमोर्फ जहां भी आए, जहां मजबूत शब्द आए, एकदम स्ट्रांग शब्द आए, वहां पे वही होगा। तो मेसोमोर्फी जो होता है हर एक चीज से परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गर्दन मजबूत और लंबी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया है तीनों के कुछ विशेषता के बारे में, जैसे कि आपका एक्टोमोर्फिक क्या हो गया, पतला दुबला शरीर होता है, अस्थि युक्त शरीर होता है, जैसे कि स्लिम, लॉन्ग लिम्स, टेलर, लेस मसल्स, यानी कि मसल्स कम संख्या में होता है, ठीक है। लाइटर बोन यानी कि हड्डिया का ढांचा होता है। एंड जो मेसोमोर्फिक होता है वह बैलेंस बॉडी होता है, हर एक चीज़ में परफेक्ट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स, बोन एंड नर्वस सिस्टम, सभी चीज़ में परफेक्ट होता है यह, ठीक है। जो एंडोमॉर्फिक होता है, बॉडी राउंड यानी कि सर्कुलर बाउंड यानी कि गोलाकार शरीर होता है, सॉफ्ट एंड हैंड फिट होता है, और रिलेटिवली स्मेल होता है, मतलब कि आनंदयुक्त होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों को खोज किसने किया था? तो थार्नडाइक ने किया था। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं, कौन को? रेडीनेस। कौन कौन सिद्धांत दिए हैं? रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए हैं जिसके बारे में मैंने बता दिया है खेल मनोविज्ञान के सेशन में, सीखने के सिद्धांत में। नेक्स्ट है हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22.92 मीटर गुणे 55 मीटर। नेक्स्ट है फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है। तो दोस्तों फुटबॉल मैदान का जो गोल क्षेत्र है वह कितना होता है? फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र जो होता है 6 गुणे
20 गज होता है और जो पेनाल्टी एरिया होता है वो 44 गुणे 18 गज होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? तो दोस्तों अच्छे परीक्षण का मानदंड इसमें कौन नहीं है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता तीनों है, जबकि व्यक्ति परकता अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है। दोस्तों अच्छे परीक्षण के मानदंड यानी कि होते हैं आपका रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, ये सभी होते हैं। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम बताइए। तो दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर क्षमता, यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है यह कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को टेस्ट करने के लिए लिसिन ब्रोहा ने 1943 में बनाया था। इसमें बेंच का उपयोग किया जाता है जिसके बेंच की जो ऊंचाई होती है 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 17 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए बेंच होता है। नेक्स्ट है नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो कोई भी चीज़ आप नियोजन करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ करेंगे, सबसे पहले प्रथम चरण होता है लक्ष्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, उसके बाद उसकी स्थापना करते हैं, उसके बाद नियोजन अवधि का निर्णय लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष की कार्यवाही करते हैं, उसके बाद कार्यवाही का मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद व्युत्पन्न योजनाओं का विकास करते हैं, उसके बाद प्रगति का माप और नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है? तो हॉकी में कॉर्नर हिट जो होता है 25 गज रेखा से ली जाती है, जिसे 23 मीटर रेखा भी कहते हैं। 25 गज को मीटर में करेंगे तो 23 मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, ये बार बार हर बार पूछा जाता है तो इसको याद रखना जरूरी है। तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, 42.195 किलोमीटर यानी कि 32 कितना होता है 26385 गज, ठीक है। 92.195 किलोमीटर यानी 26385 गज की दूरी होता है मैराथन दौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में 3 सेकंड का नियम लागू किया जाता है? दोस्तों तो बास्केटबॉल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है। जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है बास्केटबॉल में, वहां पे कोई भी खिलाड़ी बॉल को 3 सेकंड से अधिक अपने पास लेकर नहीं रह सकता। 3 सेकंड के अंदर उसको बॉल को बास्केट में डालना ही होता है। नेक्स्ट है खेल के शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है? तो उसके दैहिक सीमा पर उसकी फिजिकल फिटनेस या फिजियोलॉजिकल बैलेंस कैसा है उस पर निर्भर करती है किसी खेल की शीर्ष फॉर्म। नेक्स्ट है सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने से में संबंधित है। तो दोस्तों सफलता और विफलता दोनों है प्राप्ति की लालसा और ताकत, जैसा आपका होगा उसी तरह सफलता और विफलता होता है। नेक्स्ट है संस्थान की चार दीवारी के भीतर जो आयोजित प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उसे कहते हैं इंट्रामुरल, और जो चार दीवारी के बाहर आयोजित होती है उसे कहते हैं एक्स्ट्रामुरल, ठीक है। नेक्स्ट है एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आत्मविश्वास, बहिर्मुखता, लड़ने की भावना, आत्मसमर्पण। तो दोस्तों आत्मसमर्पण तो किसी भी बहुत खराब है, तो आत्मसमर्पण तो हो नहीं सकता, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है? तो दोस्तों किसी भी खेल कार्यक्रम या किसी भी चीज का पहला कदम होता है योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना। नेक्स्ट है इंट्रामुरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है? तो वह एक भागीदारी की भावना उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी भी प्रतियोगिता योजना को ब्लूप्रिंट को रणनीति ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजी यानी रणनीति को ब्लूप्रिंट कहा जाता है प्रतियोगिता योग्यता का। Yeah.
नेक्स्ट है, किस भारतीय कप्तान के को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला था? तो वो है दोस्तों जयपाल सिंह, जिनको 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था इन्हीं के कप्तानी में। नेक्स्ट है, पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने किया था? तो अमेरिका ने किया था, जिसकी शुरुआत 1968 वाशिंगटन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह ओलंपिक झंडा है, उसका डिजाइन पियर डी कुबर्टिन ने किया था 1913 में, और इसको सबसे पहले फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे उस समय के अकॉर्डिंग कोई और था, नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, बट अब 2022-23 में आपके IOA के अध्यक्ष चुना गया है महान हस्ती PT उषा को। ध्यान में रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है 2000। नेक्स्ट है, शहर ओलंपिया किस में है, कहाँ पे है शहर ओलंपिया? तो आप सबको पता है यह यूनान में है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? तो वह है आदर्शवाद। कौन सा दर्शन प्रभावित करता है? आदर्शवाद। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे शामिल किया गया है, तो किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को चार्टर में। दोस्तों शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को चार्टर में, और यह विश्वीय बैठक पेरिस में 21 नवंबर 1978 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है? तो यह पीछे पास देकर प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्चतर पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों तो वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसमें 15,000 राशि वर्तमान में दिया जाता है, 1985 से यह शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, SAI साई के पदेन अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों साई के पदेन अध्यक्ष होते हैं, खेल एवं युवा संबंधित केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को किया गया था। अब 2000 इसका नाम, साई का नाम बदल करके SI स्पोर्ट इंडिया रख दिया गया है। साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो SAI, और इसका नाम अथॉरिटी शब्द को हटा करके SI सिर्फ रखा गया है, स्पोर्ट इंडिया इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विंटर ओलंपिक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार कौन नहीं है? तो यहाँ पे प्रशंसा और भर्त्सना ये दोनों कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार है, पुरस्कार और दंड भी है, प्रभाव का नियम भी है, जबकि सहज प्रक्रिया, जो सहज प्रक्रिया है या प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, यह कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार है, तो तुरंत बर्फ का उपचार दिया जाता है, जिसे हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चोट लगे तो सबसे पहले बर्फ का उपचार यानी क्रायोथेरेपी दिया जाता है। नेक्स्ट है, जॉगिंग तैराकी साइकिलिंग एक हिस्सा है, तो एक किसका हिस्सा है? दोस्तों यह हमारे सभी एरोबिक क्रिया में आ जाएगा, तो एरोबिक क्रिया जिसमें सहनशीलता होगा, सहनशीलता किसमें होगा? जो निरंतर किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, निरंतर प्रशिक्षण, कंटिन्यूअस प्रशिक्षण जो है इसमें हो जाएगा। इसमें
ऑक्सीजन के साथ एरोबिक गतिविधि में कठिन सांस ली जाती है और आपका दिल तेजी से धड़कता है, परिणाम स्वरूप हृदय और फेफड़ों की फिटनेस बढ़ जाती है। और उदाहरण के स्वरूप तेज चलना, नृत्य, साइकिलिंग चलाना, टहलना, तैराकी, बास्केटबॉल खेलना, ये सभी आपके आएंगे एरोबिक प्रशिक्षण में, एरोबिक क्रियाओं में, निरंतर प्रशिक्षण में, कंटिन्यूअस मेथड में, ठीक है, एंड्योरेंस में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फरेरा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो माइकल फरेरा जो है वो बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है और 3 बार के एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रसिद्ध खिलाड़ी है ये। इन्हें 1981 में पद्मश्री, 1983 में पद्म भूषण, 1973 में अर्जुन पुरस्कार, 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है माइकल फरेरा को, जो बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है। तो दोस्तों, फेफड़ों की क्षमता को स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन हैं? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आप क्या है, मिल्खा सिंह। क्वेश्चन के अनुसार मिल्खा सिंह है, जबकि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट बालबीर सिंह 1957 है, दूसरे कुंवर दिग्विजय सिंह 1958 है, तीसरे मिहिर कुमार सिंह 1959 है, चौथे मिल्खा सिंह 1959 है। तो इन सभी ऑप्शन में सबसे पहले मिल्खा सिंह को ही मिला है, इसलिए मिल्खा सिंह आपका सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक गौण स्रोत है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सचित्र रिकॉर्ड, मैकेनिकल रिकॉर्ड, व्यक्तिगत रिकॉर्ड, ये सभी प्राथमिक स्रोत हैं, जबकि पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो है गौण स्रोत हैं। नेक्स्ट है, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है? दोस्तों, हम कोहनी के संधि द्वारा हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन घूर्णन नहीं कर सकते, ठीक है, रोटेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रोग्राफ किसको मापता है? तो एग्रोग्राफ मांसपेशी की सहनशीलता को मापता है। यह एकल मांसपेशियों की सेट, थकान की दर आदि के द्वारा किए गए कार्य को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया है? तो ओलंपिक आदर्श वाक्य को दिया है हेनरी डीडन ने। ओलंपिक आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ठीक है। सीटियस मतलब और तेज, अल्टियस और ऊंचा, फोर्टियस और बलशाली, और तेज और ऊंचा और बलशाली, यानी सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। और यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया है, चौथा टुगेदर, ठीक है, टुगेदर शब्द भी जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स में मदद करता है। तो दोस्तों, एर्गोजेनिक जो एड्स होता है, हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट्स जो हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाएगा अच्छे रूप से, उसे स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स बोला जाता है। तो यह क्या करता है, यह शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है, एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए और दो सही है, ठीक है। तो एक करता क्या है, स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स शक्ति और सहनशील शक्ति को बढ़ाते हैं और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। लोग उच्च तीव्रता वाले शारीरिक व्यायाम के दौरान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं, किसका, एर्गोजेनिक एड्स का। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल एर्गोजेनिक एड्स, फिजियोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स, फार्माकोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, डोपिंग वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो वो है दोस्तों एस डिसूजा जो है खिलाड़ी को 1963 में अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया। इसकी शुरुआत 1961 में किया गया है और इसमें 15 लाख धनराशि वर्तमान में दिया जाता है।
और इसे लगातार 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है। तो जो वॉलीबॉल में स्मैशिंग होता है तो स्मैशिंग को स्ट्राइकिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना है। तो दोस्तों एक परिस्थिति जो भी आप सीखे हैं उसको दूसरे कार्य में आप अगर उसमें सीखने में आपको सहायता कर रहा है तो एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में सीखना कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, और अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य स्थानांतरण। जो क्रिया जो पहले से ज्ञान आपका किसी नए कार्य में कार्य करने में सहायता कर रहा है तो उसमें सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जब पहले का ज्ञान नए कार्य में सहायता नहीं कर रहा है तो उस वो होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, और जिसमें न सहायता कर रहा है न तो बाधा पहुंच रहा है वहां पे होता है शून्य स्थानांतरण। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2016 के यूपी टीजीटी के क्वेश्चन पेपर को 125 क्वेश्चन को हल कराया। आप आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।